नमन करते हुए ये शिविर जिन राज्य प्रभारी दीदियों के सपोर्ट से हो रहा है उस सभी दीदियों को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज तो विशेष करके मंजूरी दीदी ने मेरे को यहाँ आने का अवसर दिया है आप लोगों के बीच में, तो उनको नमन। हमारे बीच में एमपी की राज्य प्रभारी है हमारे और कर्नाटक की राज्य प्रभारी है और हमारी बेंगलोर की राज्य प्रभारी है सुजाता बहन जी, सभी को मेरा नमन करते हुए। इन लोगों से सीखते सीखते ही हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरु जी की प्रतिरूप तो हम बनते हैं, पर जो हमसे आगे होते हैं ना उनसे हम सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोनों उंगलियों को ऐसे लगाएंगे, सुबह सुबह जब कोई भी मुद्रा लेनी है तो अपने रोग के अनुसार, पर आप सभी तो स्वस्थ होंगे क्योंकि आप शिक्षक बन रहे हैं, तो सुबह सुबह में इसे ही चालू करेंगे आप। लंबी गहरी श्वास भरते ओंकार का नाम, कितना लंबा ओंकार आप बोल सकते हैं, लंबी गहरी श्वास भरेंगे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् नित्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदिशावहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, योगी की शुरुआत करनी है और आप लोगों को तो प्रैक्टिस हो गई होगी ना, तो चलिए। और कोई भी जैसे कि मैंने आज मेरा एक पहले भी एक बार मैंने सत्र लिया था इस पर एकाग्रता कंसंट्रेशन हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर, तो चलिए चालू कर देंगे। कोई भी भजन के साथ हम जो आपको ठीक लगता हो अनन्य
आज आपको पत्र है हाउ टू कंसंट्रेट, छोटी छोटी चीजें लंबी सांस लें, अपने आप को एकदम से रेस्ट कीजिए, लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। यदि कभी भी हम काम से आते हैं तो आधा घंटे तक कोई पूछता है क्या हुआ, बच्चों को लेकर आई थी ना इसलिए सांस उखड़ गई है, आधा घंटे तक अब इतना जैसे किया, उसके बाद आपको एकदम से रिलैक्स होना आना चाहिए। कभी भी परिस्थितियां तो हमारी बदलती रहेंगी, बच्चे का प्राणायाम शुरू कर देंगे, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। एकाग्रता के कुछ आसन बीच में भी मैं कराऊंगी आपको, है ना, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। विद इन वन और टू मिनट हमको एकदम नॉर्मल होना आना चाहिए। अभी कुछ काम कर कर आए हो और फिर
छोटी छोटी चीजें होती है क्योंकि ये वाईसीबी का है, इसलिए मैं वाईसीबी को लेकर करूंगी। जैसे मैं सुबह में ठीक से, हम लोग जल्दी ही जुड़ गए थे, 5 बजे तक से जुड़ गए थे, पहले से आकर देख रहे थे, सिस्टम चेक कर रहे थे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना, बस सीधा प्रणाम करते रहो। पर जिस समय मोमेंट आया, परिचय दे रहे थे दीदी जी, उसी समय मेरा ये ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। तो परिस्थिति थी, यदि कोई मिस्टेक नहीं थी, चेक कर लिया, सब कर लिया। सुबह मैंने दीदी को फोन भी कर लिया था एक बार कि देखो कौन, किसी और से तो बात नहीं करनी, कौन जोड़ेगा मुझे, ऐसे करके बैक कॉल कर लिया था। उसके बाद भी अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो उसे मनस्थिति पे नहीं, तुरंत आपको बोल देना है। एग्जामिनर को या जहां भी हमको प्रेजेंटेशन देनी है तो हम बिल्कुल ईमानदार रहे, कुछ चीज को छुपाने की कोशिश ना करें। कभी भी कुछ हो सकता है ना, तो कभी भी आपका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उसको, जैसे कल बताया था ना भाई जी ने, कि आप एग्जामिनर को ऐसा बताने की कोशिश ना करें कि भाई आपको, उसको मिसगाइड करने की कोशिश ना करें, तुरंत बता दो परिस्थिति को, आप भी एक्सेप्ट कर लें कि दिस इज द सिचुएशन, हो गया ओके, ये कर दो, है ना। चलो लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो। परिस्थितियां और लोग, परिस्थितियां और लोग, चाहे वो हमारी परिवार की हो या हमारी ऑफिस में हो, उनको स्वीकार करना आना चाहिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, जैसे कि कोई फूल पीला है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, सब फूल की कलर अलग अलग है, सब में अपनी एक यूनिकनेस होती है। तो हम चाहते हैं मेरी सिस्टर बिल्कुल मेरे जैसी हो जाए, ये आदत इसमें अच्छी नहीं है, पर उसमें कुछ अच्छी आदत भी तो होंगी ना। चलो लंबी गहरी सांस लो। उनको स्वीकार करना आना चाहिए, परिस्थितियों को और लोगों को। तो जिस हाल में भी हम रहेंगे ना, मस्त रहेंगे। भगवान ने हर एक, कितने लाखों लोग हैं, सब लोग अलग अलग हैं, तो उनको स्वीकार करना आना चाहिए। अगर सबको एक जैसा ही रखना होता तो भगवान एक जैसा बना देता। चलो अभी देखो, 5 बच्चे भी घर में होते हैं ना, तो 5 के चेहरे अलग अलग होते हैं, जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। माँ पहचान जाती है, हम पहचाने ना पहचाने दोनों एक जैसे लग रहे, पर माँ को पता पड़ता है कि ये अलग है, ये अलग है। तो हम सब अलग हैं, हम परिस्थिति को और लोगों को जैसे ही स्वीकार कर लेंगे कि ऐसे हैं, ऐसा हो गया है, तो हम खुश रहेंगे। तो एकाग्रता के लिए पहला जो आपको नियम बोलो या जो बोलो, कि आपकी जो मानसिक अवस्था है ना, स्वीकार वाली होनी चाहिए। एकाग्रता, आप ये ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, फिर एकाग्रता नहीं बन पाएगी ना, पढ़ाई में बन पाएगी और ना ध्यान के लिए बन पाएगी। ध्यान बोलते ना, हम तो ध्यान लगा रहे, ध्यान अपने आप घटित हो जाएगा। चलो दूसरा लेंगे कपालभाति और एक भजन के साथ करेंगे, बिल्कुल तन्मय होकर करना है, डूब जाना है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन, ऐसे ही होगा। चलो एक भजन करते हैं, भजन के साथ कपालभाति तो आप सबको आता ही है, फिर भी बता देती हूँ, सांसों को बाहर छोड़ना है। कपालभाति से हमारे शरीर में इम्यूनिटी तो बढ़ती है, साथ में हमारी, अगर शरीर के अंदर ब्लड कम है तो वो भी बनने लगता है। किसी किसी ने, स्वामी जी महाराज कहते, किसी डॉक्टर भी जब जवाब देते ना, आपके में खून नहीं बनेगा, उन लोगों के भी बनने लगता है। तो ये तो एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास, तो तभी स्वामी जी बोलते हैं। तो कपालभाति, अब तो देखो हर एक दूसरे तीसरे लोग एनीमिया का शिकार हो गए, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, और जब श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो नाभि तक झटका आएगा, ठीक है। और एक ध्यान होकर करेंगे सुबह के समय, 1 से 1.5 घंटा सिर्फ मैं और मेरा गुरु, मैं और मेरा परमात्मा, हम ब्रह्मांड में लीन होने के लिए सुबह 1 से 1.5 घंटा दे दें। उस समय कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई विचार आए भी, कोई उतार चढ़ाव होंगे तो विचार तो आएगा ना, क्योंकि मुझे आज ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एकाग्रता ही नहीं ला सकते, एकाग्र होकर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। वाईसीबी के लिए आप तैयार तो कर लेंगे अपने आप को, पर एग्जाम तक तो याद रखेंगे, बाद में जिस परिस्थिति आएंगी तो सब भूल भाल जाएंगे। फिर कल जब भाई जी श्याम भाई जी कैसे आपको बता रहे थे, कोई क्वेश्चन का आंसर बिना देखे बता रहे थे ना, कैसे, क्योंकि उन्होंने आत्मसात कर लिया। अब वो एकाग्र भाव में है कि मुझे इस परिस्थिति में, मुझे आनंद आ रहा है और मुझे ऐसे जीना है। जिसके साथ आप जीना सीख जाते ना, उसको याद नहीं करना पड़ता।
उसको याद नहीं करना पड़ता। जैसे माँ होती है ना, तो बच्चे के साथ इतनी वो उसमें वो एकदम लय में हो जाती है, जहां भी बच्चा होता है ना, तो अगर वो एक बार माँ को याद करे तो उसे लगा कि उसने मुझे याद किया, तुरंत फोन लगाएगी, तू याद कर रहा था, हाँ माँ अभी याद कर रहा था, ऐसा तन्मय हो जाती है। ऐसा हमें भी योग में हो जाना है, ऐसा नहीं कि बस YCV के लिए याद कर रहे हैं, आप मुझे ना IMP लिखा दो ना, उसको रट लेंगे और बता देंगे, फिर रटा हुआ चला जाएगा। जब हम शिक्षक बन के कहीं पहुंचेंगे तब क्या दोगे उनको, फिर किताब में खोल दोगे, क्या पूछ रहे हो तुम बताओ, फिर देख देख के बताना पड़ेगा, घटित हो जाए योग हमें, घटित हो जाए। चलो कपालभाति करें भजन के साथ, श्वासों को बाहर छोड़ते जाना है, बहुत सुंदर। कोई भी मैंने अभी बताया ना, सब लोग अलग हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस भजन को सुनना नहीं, अपने अंदर उतार लेना है, ये भजन को अपने अंदर उतार लेना है। कहे मेरा दिल, मेरे दाता
तेरा छिपा लिया मेरे दाता, कितने रूप में तूने तेरा छिपा लिया, तेरा छिपा लिया। लाखों महकाए उलिया तारों की गगन सजाया है, लाखों महकाए उलिया तारों से गगन सजाया है, मेरे दाता कितने रूप में तूने तेरा छिपा दिया, तेरा छिपा दिया, मेरे दाता कितने रूप में तूने तेरा छिपा दिया, तेरा छिपा दिया, तेरा छिपा दिया, तेरा छिपा दिया, मेरे दाता कितने रूप में तूने चेहरा छुपा दिया। एकाग्रता और ध्यान करना है ना, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे नजदीक यदि कुछ है संगीत में भजन, आप अपने जीवन में भजन ले आओ, प्रार्थना खुद बन जाए, प्रार्थना करते करते प्रार्थना और हमें भेद ना रह जाए, लगे हम प्रार्थना है, ऐसा समर्पण। तो फिर जो भी करोगे ना एकाग्रता से, वही ध्यान है। ध्यान क्या है, ध्यान जी लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, देख तो जरा पानी तो नहीं आया, फिर बोलते हैं ध्यान लगा रहे हैं, देख तो डोर पर कोई है क्या, ध्यान में बैठे बार बार, पूरे आंखें बंद हैं पर पूरा देख रहे हैं, सब कुछ तो कान के अंदर आ रहा है, एकाग्रता नहीं। एकाग्रता क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है भाई, मैं तो YCB के लिए आया हूँ, ये क्यों एकाग्रता बताइए, क्योंकि आपको मात्र कुछ बुक्स पढ़नी नहीं है, रटना कर तोता नहीं बनना, हमको तोता नहीं बनना है, हमें योग को घटित कर देना है, योगी बन जाए। आप यदि भोजन बना रहे हैं तो वहीं पर होने चाहिए, यदि आप खाना भोजन ले रहे हैं तो आप उस समय भोजन ही कर रहे हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं हो रहा, पानी पी रहे हैं तो पानी पी रहे हैं, डॉक्टर का कार्य कर रहे हैं तो उस समय ऑपरेशन के समय वहीं पर है, इंजीनियर है तो आप जो भी बनोगे वो 100% बनोगे, और पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण ईमानदारी के साथ जो भी कार्य किया जाता है वो भगवान की पूजा करती है। भगवान ने यदि हमको इंजीनियर बनाया है तो पूर्ण समर्पण के साथ पूर्ण एकाग्रता के साथ झोंक दो अपने आप को उस कार्य में। स्वामी जी कहते बचा के मत रखो, जो बचा के रखते हैं, यदि हम कहीं क्लर्क हैं और हम सोच रहे चलो कहाँ मालिक देख रहा है, एक फाइल कल कर लेंगे, आज इतना करते थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, कौन देख रहा है, हो सकता है उसके ऑफिस के अंदर कुछ कैमरे ऐसे हो जो हमको ना उस समय दिख रहे हो, ना देख पाए, ऐसी जगह हम बैठ जाए, पर वो भगवान तो हमेशा देखता है, तूने आधा ही काम किया है। तो चलो अब एकाग्रता के लिए आसन की तरफ बढ़ते हैं, आवाज आ रही है ना मेरी कहीं बीच बीच में, आज डिस्कनेक्ट हो ना इसलिए मुझे चेक भी कर लेना चाहिए, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है, बिल्कुल सोनिका बहन आवाज बहुत अच्छी आ रही है आपकी। जी जी ठीक है, तो हम अभी मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, कल दो तीन दिन से मैं बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रही थी, तो मतलब कि उधर ही ठंडी में घूम रही थी, और गुजरात में आपको बहुत ठंड लग रही है, तो कल दोपहर से मुझे फीवर हो गया, रात को 102 फीवर था, तो सुबह तो मैं बोल रही थी कि अगर मैं मुंह बोलता हूँ ना तो आपको हाँ जी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अच्छा आवाज धीमी आ रही है, आप बहन चेक कर लीजिए एक बार, आपके पास से ही कहीं मोबाइल में कम तो नहीं है, मेरे पास बीच बीच में आवाज आपकी आवाज स्लो आने लगती है, वो ब्लूटूथ हिल जाता है ना इसमें उसमें माउथ के पास है, ठीक है ना, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है सोनिका बहन, तो कल मैं बता रही थी आपको कि कल रात को 102 बुखार था, तो मैंने कहा सुबह फोन करूं कि नहीं ले पाएंगे, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि अगर एग्जाम के टाइम पे कहीं भी है तो आप समर्पित भाव से हो जाओ, बिल्कुल समर्पण का भाव, मैंने कहा सुबह नहीं तो मुझे लगा कुछ आवाज तो ठीक नहीं है,
तो मैंने कॉल भी लगाया कि अगर आवाज नहीं तो आप देख लें, है ना। तो उस समय स्विच ऑफ आ रहा था, शायद बहन किसी काम में होंगी, तो फिर मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सांस ना दे। तो कल रात को 102 तक बुखार था, तो भी आराम से, क्योंकि आप उसमें ढल चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है ना, तो आपको ऐसे ढल जाना है। चलो एकाग्रता के लिए सब चीजों में चाहिए ना, एकाग्रता के बिना तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। चलो कैसे कर रहा है, सबसे पहले आपको ताड़ासन, पंजों के ऊपर खड़े होना है, ऐसे नहीं कर दोगे आप, तो ऐसे कर दोगे, ऐसे नहीं, पंजों के ऊपर आना है हमको, ठीक है। चलो, और उससे जो रूपांतरण होगा ना आपका जीवन में, किस चीज में एकाग्रता दी थी, खाना बनाया उसके अंदर सॉल्ट ही नहीं, नमक है ही नहीं, फिर ऊपर से डालते फिरो, इसका मतलब ये था जो गृहिणी, जो बहन खाना बना रही थी, वो पूरी तरह से उस समय पर वहां नहीं थी, कुछ और सोच रही थी। जब जो काम करते हो ना, पूर्ण रूप से वहां पर आपका उपस्थिति जरूरी है। फिर से आएंगे नीचे, फिर जाएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, करते रहो। चलो, पंजों पर खड़े होना है ना, पंजों पर खड़े हो जाओ, सांस लेते ऊपर, बहुत सुंदर कर रहे, थोड़ा रुकने की कोशिश किया करो, बोरी की तरह नीचे दम से लड्डू ना, थोड़े खड़े हो फिर वापस, फिर से मैं कब बता रही थी ना आपको, देखो उसमें स्थिर हो गए आप, कि 103-104-105 से ऐसे ही, और हम लोग स्वेटर पहनते नहीं है ऐसे ही ठंड में, तो शरीर तो शरीर का ही काम करेगा ना, तो हो गया फीवर कल रात को, फिर सुबह फिर से वही मस्ती में, ऐसे हमको रहना है। कोई कोई लिखते है आज मुझे फीवर है, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, सॉरी मैम, बताओ ऐसे कितनी कितनी बार मैसेज आते हैं, आप लोग पढ़ते भी होगे, चलो क्लास ही अटेंड नहीं कर पाऊंगी, अरे भाई तुम कर नहीं पाओगे, सुन तो पाओगे, उस दिन देखा कि अटेंडेंस ही नहीं है उसकी, सुन लेते पढ़े पढ़े, कितना अच्छा लेक्चर था कल, दो दिन ऐसे मैंने कुछ लोगों को तो कॉन्टेक्ट किया, तो बोल रहे थे कि सर दुख रहा था, खांसी थी, फीवर था, बताओ, अरे तो सुन लेते ऑडियो लगा के, बिल्कुल ही ज्वाइंट ही नहीं हुए, ऐसा क्यों करना। चलो अब वृक्षासन कैसे करना है, ऐसे कर गया, कुछ लोग साउंड म्यूट हो गया, सनिका दीदी आपका म्यूट हो गया मैम, सनिका दीदी म्यूट हो गए आप, कर दे सनिका दीदी, उनको पता नहीं चल रहा क्योंकि वो म्यूट हो गया है।
ओम ओम सोनिका बहन, सुन पा रही हो क्या? आप बहुत देर से म्यूट हो। ओम ओम सोनिका बहन, आप म्यूट हो बहुत देर से, अनम्यूट कर लो। ओम 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 सोनिका, सोनिका म्यूटेड हो भाई। नहीं आ रही है मेरी, से नहीं आ रही है, बहुत देर से नहीं आ रही है। अच्छा शीर्षासन दिखा कि नहीं दिखा? वो भी दिखा, दिख गया पर सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ये कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए मैं कुछ कर देती हूँ। हाँ आप देख लो इसको। हाँ मेरे को लगता है ब्लूटूथ हटा ही दीजिए आप, वैसे आवाज ठीक आ रही है। कभी कभी है ना ये चीजें पता नहीं, आज ये कभी पता नहीं और आज ये दिक्कत आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी इस पर? हाँ आवाज आ रही है, मैं डायरेक्ट फोन पर ही करा देती हूँ। हाँ, हाँ, आप ऐसे ही कर दी। तो आपने मुझे शीर्षासन करते हुए देखा होगा, आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं बता रही हूँ 5-5, 7-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक भी हम लोग कर लेते हैं, पर हमको प्रैक्टिस है। आप लोग इतना नहीं करना, आप लोगों को 2-5 सेकंड से शुरू करना है। चलो एक बार अपने पूरे बॉडी को नॉर्मल करें। तो मैं आपको सिखा रही थी बैलेंस। चलिए ये करते जाओ, हाथों का सूक्ष्म व्यायाम भी करते जाओ और नीचे सुनते भी जाना। एकदम से आप खड़े हो और एकदम से कोई कहे उल्टे हो जाओ तो उल्टे हो गए, और एकदम से कोई कहे सीधे हो जाओ तो सीधे। ऐसा सदा हुआ हमारा शरीर, और शरीर आपका साथ कब देगा? जब आपके विचार, आपके मन है ना, वो सदा हुआ हो। यदि आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, जब आप शीर्षासन करना शुरू किया, अरे भाई अब जैसे मैंने किया, अरे मैं तो बुखार में हूँ, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अरे योगी व्यक्ति हो, थोड़ा टेम्परेचर अप डाउन हुआ तो क्या हुआ, जो करते हो करना ही है, ऐसा दृढ़ मनोबल आपका होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं, वो पहले भी बताया हुआ सर्वांगासन, आप सबको पता है सर्वांगासन और आपके शीर्षासन के फायदे बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसलिए जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते, कठिन आसन में वैसे तो आप लोग आना चाहिए, भाई से भी मैं आपको कर सक आना ही चाहिए, पर अगर नहीं आए तो अगर कोई पूछे कि आप शीर्षासन नहीं कर सकते तो शीर्षासन के समान फायदे किसमें हैं, तो सर्वांगासन के सेम लाभ आपको उससे मिलते हैं। तो सर्वांगासन का आपको आना चाहिए, वो तो आपको पता ही है कैसे करना है। सर्वांगासन का भी मैं बता देती हूँ, इसका भी ऐसे करती आपको करना आना चाहिए, ठीक है? तो एकदम से खड़े और एकदम से, तो आपको लगेगा जब आपका शरीर एकदम सदा हुआ होगा। तो आप लोग कल एक बहन पूछ भी रहे थे कि शीर्षासन करने के लिए और वृक्षासन करने के लिए, कल एक बहन ने मैसेज भी डाला था, तो उसमें जाते समय आपको श्वास लेते हुए जैसे करे, फिर आपको रुक जाना है उसमें, आप सांस लेते लेते जब जाते हो ना तो आप नहीं कर पाते हो, आपको स्थिर या तो श्वास ले लेनी या छोड़ देनी, और फिर जैसे ही स्थिर हो जाते हो किसी भी आसन में तो श्वास रोक के नहीं लेना, आप अपने आप लेनी अपने आप छोड़। स्थिर होने के बाद श्वासों की गति सामान्य कर देती है किसी भी आसन में, ठीक है? चलिए अभी दूसरा हम आगे क्रम बढ़ाते हैं। अगलो भी लंबी गहरी श्वास लो और लंबी गहरी श्वास छोड़ो। जब श्वास लेनी है तो संकल्प करना है कि समष्टि के अंदर जो भी पॉजिटिव है वो मेरे अंदर आ रहा है, और श्वास को जब छोड़ना है तो मेरे अंदर को जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिसीज है, वो
बाहर जा रही है। आपको इस संकल्प के साथ करना पड़ेगा, है ना, संकल्प के साथ। नहीं तो आप देखो, ये तो दो चार चार साल से प्राणायाम करता है फिर भी इसका क्रोध तो जाता नहीं। तो सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरे अंदर क्या चीज है जो लोगों को भी पसंद नहीं है और मुझे भी अच्छी नहीं लगती। लोगों को तो बहुत कुछ पसंद नहीं होता, तो लोगों की बातों पे नहीं, हमें खुद जो क्रोध करके, आप जब किसी पे क्रोध करते हो तो आप खुद ही लगेगा कि हाँ उसको इतना सारा बोल दिया, नहीं बोलते तो अच्छा था, अपना मन भी अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज अच्छी नहीं है। तो जब आप प्राणायाम करते हो तो श्वास ली और श्वास छोड़ते समय मेरा क्रोध बाहर, अपनी बीमारियों को खुद बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चार पांच साल धीरे धीरे कम होगा, वो अपने आप कम होगा, बहुत दिन लगेंगे, पर आप खुद कम करोगे ना, मेरा क्रोध कम होगा, मैं प्रसन्न चित्त रह रही, अब मुझे क्रोध नहीं आ रहा। पूरे दिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर आप शांत रह पाओगे। फिर जिस भी कार्य को करोगे, कभी गुस्सा भी करोगे तो दिखावटी गुस्सा होगा, तुमको पता नहीं पड़ता, बिल्कुल तुम एकदम से बच्चे की तरह काम कर दो, ऐसे करके आपने गुस्सा किया कि तुरंत अपने स्वभाव में, स्वामी जी कहते ना बैक गियर लेना आना चाहिए, एक बार लड़ाई चालू हुई तो कहां से कहां और कहां पहुंच जाती है, सब संबंध भी बिगड़ जाते हैं, वाणी दोष भी हो जाता है और पूरी जिंदगी के लिए रिलेशन खराब। चलो अनुलोम विलोम करते रहो, लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, जहां से छोड़िए वहां से वापस लेंगे, एक भजन के साथ करेंगे, भजन के साथ करो, है ना, भजन के साथ करते रहो। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, हाँ हाँ भगवान, मैं आपका हाथ बन जाऊं। जब हम भगवान के हाथ बन जाते हैं तो जो कार्य हमसे भगवान कराना चाहते हैं वो कब हो जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा। कोई भी आसन लगा लो, पद्मासन लगा लो, चलो अभी श्वास लो। प्रभु आशीष दुहन को तुम्हारे यंत्र बन जाए, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। न हो बेन हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो, हम कभी विचलित सदा प्रेरित तुम्हीं से हो, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो, सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए, सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए, नहारे हम परिस्थित से बदल दे प्रेम से दुनिया, Thank you.
न हारे हम परिस्थिति से बदल दे प्रेम से दुनिया बदल दे प्रेम से दुनिया समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे संत बन जाए समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे संत बन जाए बने राही परम पथ के तुम्हारे आयुष बन जाए प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल ना एक पल दूर तुमसे हो तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल न एक पल दूर तुमसे हो बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए बड़े राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए हरे राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए ऋषि के वंश बन जाए तुम्हारे यंत्र बन जाए हाथ बना आचार्य जी एक बात कहते हैं चलो हाथ वाले कर ले तो आवाज आ रही है ना इसको पता आपको मैंने निकाल के रख दिया मैंने सपोर्ट नहीं कर रहा तो क्या प्रॉब्लम आ रही है चलो हाथ से तो ये हाथ अंगूठा अंदर जाएगा किसी भी संस्था में आप काम करते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते वहां पर फियर में जीना कि मुझे निकाल करते रहो करते ही साथ में कि मुझे निकाल दे तो मेरा प्रमोशन ना हो मैं अगर ये निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा मेरी नौकरी नहीं रही तो मैं स्वामी आचार्य जी कहते हैं आचार्य जी कहते हैं कि कभी भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो जिस संगठन में आप काम कर रहे हो उसके हाथ बन जाओ गुरु का कार्य हम कर रहे हैं तो गुरु के हाथ बन जाए जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करे उसके हम हाथ बन जाए और कोई व्यक्ति अपने हाथ को काटता है क्या नहीं काटता आप ऐसे कार्य करो कोई हाथ तो नहीं काटेगा अपना राइट हैंड की तरह काम करो पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण एकाग्रता के साथ पूर्ण समर्पण के साथ ऐसा काम करना है फियर में नहीं जीना है चल करते रहो और जब व्यक्ति भय में सबसे पहले व्यक्ति है ना जो योगी होता है योगी निर्भय होता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता कल मैं मर जाऊं तो क्या मेरे बच्चे हम नहीं थे तब भी ये सृष्टि थी हम नहीं होंगे तब भी ये सृष्टि होगी जैसे चल रहा था शायद उससे भी ज्यादा अच्छा चलेगा पता नहीं पर सब कुछ चलेगा तो भय में नहीं रहना है और जब भय होता है ना व्यक्ति में एकाग्रता नहीं ना पढ़ने में होगी ना लिखने में होगी ना एग्जाम वाले दिन होगी तो सबसे पहले भय निकाल लो किसी भी चीज का भय नहीं सत्य बोलने की आदत हमें होनी चाहिए कोई नहीं देख रहा जहां पर वहां पे ईश्वर देख रहा होता है तो हमेशा याद रखना जब हम झूठ बोल रहे हैं किसी भी बात में तो हमारी हम खुद जान रहे हैं हम अपनी आंख में गिर जाते कि बताओ हमने तो आज झूठ बोल दिया हमने तो आज लेक्चर अटेंड नहीं किया हम तो अच्छे थे हमने तो सुबह लिख दिया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं हम लेक्चर नहीं अटेंड कर पाएंगे लिख तो दिया नुकसान किसका
और जिस समय आपको एक चीज और मैं बता देती हूँ, चलो एक एक हाथ से खींचेंगे, सूक्ष्म व्यायाम कर लो थोड़ा थोड़ा, है ना, सुन भी लो। ये मैं ऐसी चीजें बताएंगे जो वाईसीवी के लिए भी बहुत काम आएंगे और जिंदगी के लिए भी बहुत काम आएंगे। जिस समय आपको कोई लाइव दे रहा होता है, आपको रिकॉर्डिंग तो इसकी मिल जाएगी, जिस समय आप लाइव सुन रहे होते हैं ना, तो व्यक्ति के शब्दों के साथ साथ उसका वाइब्रेशन भी आ रहा होता है। किसी गुरु को हम लाइव सुनते हैं और किसी को हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। कभी महसूस करके देखना, जिस समय वाईसीबी के कोई भी शिक्षक आपको सिखा रहे होते हैं, चाहे वो श्याम भाई जी हो, चाहे मंजू दीदी जी हो, जितने भी वाईसीबी के आप जहाँ पे आपको पारंगत लोग आएंगे, उस समय आप यदि लाइव है तो आप उससे कनेक्ट होते हैं और वो ज्ञान आप में उतरने में, आपको आत्मसात करने में इजी होता है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है। तो ये पूरी सृष्टि है ना, ऊर्जा पे चल रही है। हम और आप, ये शरीर तो दिख रहा है पर हम ऊर्जा से संचालित हैं। हम भले कितने भी दूर बैठे हैं, आप इस चीज को समझो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, कौन सुन उठेगा। आधे से भी ज्यादा लोग नहीं जुड़ते हो, तो जो जुड़ते हो उनको बहुत फायदा मिल रहा इस चीज को। ये सत्य बताया मैंने आपको कि आप लाइव में और रिकॉर्डिंग में क्या अंतर होता है। जो लाइव सुन रहे हैं उनको हर चीज को समझने में, वही चीज आप शाम में सुनेंगे बहुत से लोग, क्योंकि उस समय वो वाइब्रेशन नहीं है, उस व्यक्ति की एनर्जी नहीं है, सिर्फ शब्द रह गए। वो व्यक्ति जो लाइव था वो आपसे जुड़, अभी मैं हूँ आपको बोल रही हूँ, तो मैं, मेरी जो ऊर्जा है वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई। बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए लोग लाइव के पीछे क्यों भागते, लाइव लाइव लाइव। इधर करेंगे, श्वास ली, श्वास को भर के रखना है, हाथ से सर की तरफ प्रेशर, प्रेस और हाथ, फिर से एक और बार, दूसरे हाथ से कर लेंगे। इसीलिए रिकॉर्डिंग जितने भी लोग को समझा देना, आपको कोई भी उसमें पारंगत होना है, यदि उसका लाइव सेशन आपके पास है तो लाइव सेशन को अटेंड करने की कोशिश करो। जिस भी विद्या में आप निपुण होना चाहते हो, जहां तक बने तो फिजिकली होना बहुत जरूरी है। अगर फिजिकली नहीं है तो भी समय को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए, अगर हम लाइव तो लाइव सेशन यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। घुमा लेंगे पूरा गोलकोंड। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है, मैं रोज देखती भी हूँ आपको, इसलिए बता भी रही कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल रही है, वो रिवीजन के लिए होती है। पर जो चीज आप में है नहीं, समझ लीजिए आप 10-10, 15-15, 20-20 साल से जो लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में, वो लोग यदि सिखा रहे हैं तो आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो पाते हैं ना, और ऊर्जा से कनेक्ट होने के बाद वो विषय आप आत्मसात कर सकते हैं। दोपहर में तो क्या मिलेगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो और भी ज्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको सर्च करके सीख ही सकते हो ना, क्या अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। सब्जेक्ट पूरी की पूरी बुक है, हम तो कहीं से टॉपिक लेकर आएंगे और आपको बताएंगे, और कुछ कुछ चीजों को जो हमने आत्मसात किया वो देंगे, पूरी की पूरी ग्रंथ अवेलेबल है। तो सब उसी पर से, क्यों बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है, घर पे सारी बुकें ला के रख दे, ले भी पढ़, तुझे जो नहीं आए पूछ लेना, टीचर रख दे। पर जो एक माहौल होता है, जो एक वाइब्रेशन होता है उस जगह का, जो स्कूल होता है वो एक मंदिर की तरह होता है, वहां सारे शिक्षकों का एक वाइब्रेशन होता है। उस समय जब वो बच्चा पढ़ता है तो जो चीजें ब्लॉकेज उसके अंदर होते हैं, जो चीजें वो नहीं समझ सकता है वो भी समझता है, धीरे 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 करके वो ऊर्जा उसमें काम करने लगती है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, ये चीजें हमारे अंदर निहित है। नकारात्मकता जब व्यक्ति में बढ़ती है तो उसको डिसीज भी होती है और उसकी समझ भी तो कम होती है, पर उस नकारात्मकता ही जो है डिसीज का कारण बनती है। तो आप लोग सबसे पहले सच बोलना, समर्पित रहना, ये छोटे छोटे यम नियम जब पढ़ोगे ना, ध्यान तो ध्यान पे सीधा कूदते हो, एकाग्रता और ध्यान, मेडिटेशन बैठू और ध्यान लग जाए और सीधा समाधि में उतर जाओ, सारे चक्र जागृत हो जाए, वो तो हो ही जाएंगे। जब सत्य बोलने लगो, खुश रहने लगो, सबका अच्छा चाहो, जो बुरा भी कर दे उसका अच्छा चाहो, चक्र अपने सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है। और किसी दिन तो जब बैठोगे ना, आपकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकलेगी, सारा खतरा ऐसे ही धुल जाएगा आंखों से, पूरे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ आज, क्या बात है जो आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो समझ जाना निर्मल हो रहा हूँ। ऐसा भजन करते करते, और भजन मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, सुबह की जो टाइम है
सुबह में अपनी फ्रीक्वेंसी भगवान से मैच करने का सबसे सरल रास्ता है। कुछ नहीं आता तो भजन लगा दो और उस भजन को याद कर लो, कोई भी एक भजन। पूरे पूरा भजन याद नहीं होता तो पूरे दिन उस भाव में रहो। फिर ऐसा नहीं कि बस अब हो गया, मैट को लपेटा और साइड में रख दिया और हो गए बस, पूरा योगी में बस बात खत्म। चलो उठो, तुम्हारी क्या बनेगी, चाय बनेगी, तुम्हारी कॉफी बनेगी, तुम्हारा नाश्ता बनेगा, बस चालू। ना 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 ना, ना। आपको उस अवस्था में पूरे दिन रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चलोगे रहोगे वहीं पर, आपकी मानसिक जो स्वास्थ्य है, आपने जो सुबह पाया है, उसको स्थिर होने दो अपने अंदर। जैसे कि ये जो भजन सुने उसमें से कोई भी एक भजन की एक लाइन अंदर उतार लो और उसको पूरे दिन अंदर चलते रहने, चलती रहेगी। सत्र पूरा हो गया पर वो चलता रहेगा, उससे आपकी एकाग्रता धीरे धीरे धीरे। परिस्थितियां तो आएंगी पर उसके अंदर आप एकदम से घुस नहीं जाओगे। परिस्थिति आई अच्छा लगे, जैसे चलो एक भजन की लाइन सुना दे। हे नाथ, हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन दर तक जाने न पाए। अब ये भजन मैंने सुना, इसको पूरे दिन अंदर चलना चाहिए। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, फिर किसी का गलत करने की, बुराई करने की, अरे छोड़ो ना, ये भी भगवान का बनाया हुआ है। हर रूप में भगवान दिखने लगे। चलो प्राणायाम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, भस्त्रिका किया, फिर कपाल भाती, फिर अनुलोम विलोम। आपको क्या करना है, आपको जिस ऊर्जा हमने एकत्रित की उसको ऊपर लेना है, श्वास ली, श्वास छोड़ी, मूल बंध को खींचना है। और ध्यान में जाने के लिए, एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ऊर्जा या तो नीचे जाए रिप्लीट होगी या फिर ऊर्ध्वगामी होगी, तो आप उसको ऊपर ले लो। तो मल मूत्र वाले भाग को ऊपर खींचा, मूल बंध, पेट को पीठ से लगाया, उड़ियान बंद, और तीसरा जालन बंद। पूरा ध्यान आगना चक्र, जितनी देर रोक सकते रोक के रखना है, तुरंत वापस नहीं आना है। यहाँ पे आपको एक ऊर्जा ऊपर उठती 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 थोड़ी थोड़ा गरम गरम महसूस होगा, जब नहीं रुक सकते तो ऐसे अपने विचारों को स्थिर कर लो। श्वास ली, श्वास छोड़ी, मूल बल, उड़ियान बल और जालन बल। तीन बंद के साथ करना है, लॉक तो आपका तुरंत लग जाता है ऐसे करने से। बहुत से लोग ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा गर्दन आपने थोड़ी सी करी, हल्की सी बंद लग गया आपका है, एकदम सर्च करके नहीं करना होता, हल्के से। चलो फिर से इस अवस्था में जितने ज्यादा रुक सकोगे ना, तीन बंद भाई प्रणाम में तीन बंद लगाओगे आप, जितने ज्यादा रुक सकोगे उतना आपका मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। आपको पूरा अपने करना है तो ऐसे नहीं तुरंत किया आ गए वापस में, पूरी शक्ति को कर लो, पूरी ऊर्जा को ऊपर लो और संकल्प करो कि मूलाधार से मेरी ऊर्जा सहस्त्रार की तरफ उद्गामी हो रही है। रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे अग्निसार। देखो आप लोग है ना, पूरे दिन का जो मैं बता रही हूँ ना कि एकाग्र होने का, तो सबसे पहले तो ये जितना भी आप कल सुन रहे थे, जितने भी आपके बीच में पारंगत लोग आएंगे, आपको लगेगा ये सारा हम कब याद कर पाएंगे, ये कुछ आईएमपी दे देते हो तो हम फटाफट फटाफट लिख लेंगे। फिर आप पढ़ाने के लिए जाओगे वाईसीबी में, कहीं कोई प्रोफेसर लगेगा, जब वैकेंसी निकलेंगी तो फिर क्या करोगे, फिर क्या पता है, फिर बच्चों को बुक ले लेकर पढ़ाया करोगे। हाँ बच्चों चलो पेज नंबर खोलो 23 बच्चे खोलेंगे, फिर उसके बाद आप भी बुक में से देखोगे, बच्चे भी बुक में से देखोगे, क्योंकि आपने आत्मसात नहीं किया। फिर बच्चे भी आपसे आईएमपी मांगोगे, कोई किसी को योग घटित नहीं होगा, बस अटंत विद्या, हम रटे तुम रटे सब रटो। चलो अग्निसार करना है, श्वास ली, श्वास छोड़ी,
पेट को अंदर बाहर करना है। जितने भी लोगों को पेट संबंधित प्रॉब्लम है या फिर किसी को कब्ज की शिकायत है, सुबह आप लोग बैठते हो ना तो पेट साफ नहीं होता, पेट तो साफ होना जरूरी है। आप बिना नहाए बैठो चलेगा, पर बिना पेट साफ किए शुरुआत में चल सकता है, पर जहां तक हो ना उतनी कोशिश करो, त्रिफला लिया करो, कोई भी एक हो सकता है कि आप लैक्सेटिव कोई भी ले सकते हो, सांस लो सांस छोड़ो, पेट को अंदर बाहर करना है। सांस अंदर बाहर नहीं हो रही, पेट अंदर बाहर हो रहा है। आप योग से जुड़े हो ना तो आप समझ लो कि भगवान का आपके लिए कोई इशारा है, आपके जीवन को उत्तम बनाने के लिए इशारा है। आप वाईसीबी से पतंजलि से जुड़कर आप मात्र और मात्र वाईसीबी का सर्टिफिकेट नहीं पाओगे, आपके जीवन को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैंने एमबीए एचआर में किया और एमबीए करने के बाद बहुत अच्छे कॉर्पोरेट में भी जॉब करी मैंने, एसी में बैठ के मैडम बन के बन करते हैं, कहीं वो ज्ञान नहीं मिला जो गुरु शरण मिला। तो मैं आप लोगों से भी, अगर अपने जीवन को एक सही दिशा देना चाहते, मैं कहती नहीं हूँ कि आप सन्यासी हो जाओ, सही दिशा देना चाहते जीवन क्या है, तो पतंजलि से उसमें जुड़कर परम पूज्य स्वामी से जरूर जुड़ना और सुनोगे ना तो स्वामी जी को समझ पाओगे। तो दिन में पूरे दिन में 10 मिनट जरूर निकालो परम पूज्य स्वामी जी को सुनने के लिए। चलो करते हो अंदर पार करो, पेट से संबंधित सारे रोगों के लिए ये कब्ज तो कितनी भी पुरानी हो इससे दूर हो जाती है। जिनको 10-10 साल से कब्ज की प्रॉब्लम है ना उनकी प्रॉब्लम का सलूशन आ जाता है। आपको करना तो पड़ेगा, सांस ली सांस छोड़ी और कर लो। जिसका पेट बहुत खराब रहता है वो यदि अग्निसार करोगे तो फिर जब आप पट्टी जाओगे तो देखना कितने गंदा माला था, आपको पता पड़ जाएगा। जिसका पेट खराब रहता है उसको पता पड़ जाएगा। चलो सीधे बैठ जाएंगे, रिलैक्स, आप ऊंचाई प्राणायाम करेंगे, गले से आपको खींचना है पूरा, और फिर लॉक लगा देना है। ऊंचाई प्राणायाम भी ऊपर आके राइट से नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से सांस बाहर, फिर से करो एक बार, गले से खींचो, गले से सांस को खींचना है, रोक के रखना है, फिर राइट नोस्ट्रिल से बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे। चलो करो एक बार, करके ये थायराइड के लिए भी अच्छी है और ध्यान के लिए भी अच्छी। जो लोग ध्यान में जाना चाहते हैं ना एकाग्रता के लिए, ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। चलो थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेंगे, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, है ना, अब से पैर भी नहीं खुले आप लोगों ने, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मस्ती के साथ रहना। बचपन, आप जितने भी साल के हो, 20 साल की हो, 30 साल की हो, 35 साल की हो, 40-50 साल की हो, पर अंदर का बच्चा मत मत देना कभी भी। 2 साल के 3 साल के बच्चे के साथ खेलो तो आपको पता ना पड़े कि ये छोटा या मैच, ऐसी मस्ती हमें होनी चाहिए। और जब मैनेजमेंट में बैठे तो हमसे ज्यादा सीरियस कोई नहीं होना चाहिए, और पूरे दिन पूरे कामों को एकदम प्रामाणिक रूप से करते हुए, प्रामाणिक रूप से कब कर सकते हैं और ठीक रूप से करते हुए 100% रिजल्ट देते हुए कब, जब हम एकाग्र होंगे। बार बार गलतियां करो फिर गलतियों को सुधारने में भी आपका समय जाता है ना, तो गलतियां हो ही नहीं हमसे, हमसे गलतियां हो ही नहीं। इधर रखा, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, बहनों को मैंने अक्सर देखा है, बहनें पहले तो दूध रख के आती हैं, फिर दूसरे रूम में भाग जाती हैं, फिर दूध निकल गया, फिर दूध को साफ करने में पहले उसको ठीक से करा होता, अगर कोई अर्जेंट काम आ गया तो गैस को सिम करके जाना था ना, पर पूरा ध्यान वहां पे था ही नहीं ना, किसी ने आवाज दी और कुछ सोच रही थी और भाग के दूसरे रूम में चली गई,
दूध निकल गया, अरे ये क्या हुआ, अब उसको क्लीन करो, पूरा करो। वो 10 मिनट की जगह जो आपको ध्यान देना था, अब आधा घंटा क्लीन करने में लगेगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। चलो पैरों को भी खोल लो, सूक्ष्म व्यायाम करा देती हूँ। पैर आप लोग को आता ही है, पैर थोड़ा सा आगे पीछे, क्योंकि मैंने ब्लूटूथ भी लगा रखा है ना, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा निकाल ही दिया मैंने, कहा मैं परेशान हो रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो पैरों को आगे पीछे कर लो। जब पैर आगे जाएंगे तो श्वास को लेंगे और फिर श्वासों के साथ करना है। दोनों पैरों को खोल लो, दौड़ जाए, रोज करना है आपको ये, रोज रोज। जो हाथ पीछे जाता है उसको देखना है ना आपको, चलो बैठ जाओ और ध्यान एकाग्रता के लिए भ्रामरी उद्गीत वो भी बहुत अच्छे हैं। उसमें जाने से पहले पूरे दिन स्वामी जी ने कहा है कि ओम करो या फिर गायत्री करो, पूरे दिन। अगर हमको अपना स्तर ऊंचा उठाना है तो पूरे दिन हमारे अंदर ओम का जप चलना चाहिए, ओम का जप, गायत्री करो, गायत्री मंत्र करो, गायत्री मंत्र भी अंदर चलता रहे। एक समय ऐसा आएगा कि आपको खुद ही पता नहीं पड़ेगा और अंदर गायत्री मंत्र चल रहा है, आपको लगा रहे खुद ही सुन सकते हो, प्रैक्टिस करोगे ना तो सुनाई देने लगेगा, अंदर चल रहा है। जब आप एकदम जागरूक हो जाओगे तो खुद भी करोगे, खाली बैठे हो तो, फिर जब काम कर रहे हो तो देखा अंदर, जैसे सॉन्ग चलते हैं ना कभी कभी आपके, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फिल्मी सॉन्ग पसंद होते हैं, उनको फिल्मी सॉन्ग अंदर चल रहे होते हैं, अपने आप इतना सुनते हैं वो लोग कान में लगा लगा के कि फिल्मी सॉन्ग उनके अंदर चलते रहे। ऐसे हमारे अंदर मंत्र चलने चाहिए, कोई भी एक मंत्र पकड़ लो और जब आप उस पे सज जाओगे, जब आप सो भी रहे हो तो वो चल रहा है, तो हमारी अवस्था। फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि चक्र कैसे जागृत होते हैं, किसी आसन में शीर्षासन में कैसे हम स्थिर रह सकते हैं, सब अपने आप होने लगता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है ना तो उसके आसन अपने आप कठिन, अलग अलग प्रकार के अपने आप आसन करने लगता है। तो बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, जो आसन उसने कभी भी नहीं किए होते वो आसन करने लगता है। मेडिटेशन करते करते ध्यान में उतरा कई प्रकार के, एक बार स्वामी जी बता रहे थे कि ध्यान में अपने आप आसन होने लगते, कितने प्रकार, जितने प्रकार के पशु पक्षी इतने प्रकार के आसन, तो कैसे होंगे ऐसे बल लगा के नहीं, अपने आप होने लगते हैं। तो भजन सुनते सुनते तार अपना एक एकात्म हो जाना है आपको ईश्वर के साथ, और यम नियम है ना, यम नियम फिर ये तो अपने जीवन में होने ही चाहिए, पहली सीढ़ी है ये आप लोगों को, इसलिए आज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ यम नियम। ये एकदम से पूरा यम सोचो कि हमारा ध्यान आ जाए, धारणा समाधि ये सब आसन तो कर लोगे, आसन कोई कठिन बात नहीं करना, पर जिसने यम नियम नहीं किया तो थोड़े दिन तो रहेगा वो विद्या को आप कहना नहीं कर पाओगे। चलो भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी उद्गीत के साथ आगे बढ़ाते हैं। चलो एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है ये, 3 उंगली नाक पर, 1 उंगली माथे पर और अंगूठे से कान पर, और जिसको ज्यादा ध्यान की तरफ बढ़ना है वो जीभ को तालवे से टच कर देंगे, जीभ को तालवे से टच करेंगे।
दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मन सहज। ओंकार का नाद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओंकार का नाद, जितना लंबा ओंकार आप बोल सकते हो अ, जब म बोलोगे ना तो नाभि पे पूरा खिंचाव आएगा। चलो मेरे साथ बोलो, अब होंठ से करना है खाली, आवाज नहीं आनी चाहिए। ओंकार तो करेंगे, आवाज नहीं आएगी। पहले ओंकार का नाद किया, फिर मैंने होंठ से किया, अब होंठ भी बंद कर लेंगे। ओंकार बोलना है पर होंठ बंद कर लेंगे। चलो लंबी गहरी सांस ली, अब शांत बैठ जाएंगे। आती हुई और जाती हुई श्वास को देखो, श्वासों की गति सामान्य, पूरा शरीर एकदम ढीला, मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ आकाश की तरफ खुले हुए। महसूस करेंगे इस ब्रह्मांड के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो मेरी दोनों हथेलियों के माध्यम से, मेरे सहस्त्रार के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और उसको अपने अंदर आने देंगे, आत्मसात करेंगे। उस ऊर्जा को अपने अंदर लेंगे, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी पॉजिटिव ऊर्जा इस समय इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऋषि महात्मा संतगण आप्त पुरुष तप कर रहे हैं उन सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सुबह की भोर भोर के समय में, भोर में
जितने भी संत ऋषि आप्त पुरुष सेवा कार्य में लगे हुए हैं, तपस्या में लगे हुए हैं, उन सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और उसको ग्रहण करेंगे। हमें सिर्फ लेना आना चाहिए पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है और ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर पॉजिटिव एनर्जी 24 घंटे देने के लिए तैयार है। सिर्फ हमको उस ब्रह्मांड में से लेना आना चाहिए। दोनों हाथों के माध्यम से ग्रहण करेंगे, हथेलियों के बीच में मध्य में उसको महसूस भी करेंगे। पूरे दिन में जब भी आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो, आंख बंद करके जहां भी हो बैठ जाओ, पास में कोई पेड़ है, कुछ है, शांति से वहां पर बैठ जाओ, दोनों हाथ आकाश की तरफ करके लंबी गहरी श्वास भरते हुए आप जैसे ही ऊर्जा अपने अंदर आने के लिए बोलोगे, आप उसको महसूस कर पाओगे। थोड़ी पलों में देखो कि आप ऊर्जा से भर गए हो पूरे। सृष्टि को नमन करते हुए, जितने भी आप पुरुष इस समय तप में लगे हुए, सबको नमन करते हुए, परमात्मा को नमन करते, गुरु को नमन करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे कृतज्ञता के भाव से। दोनों हथेलियों को अच्छे से गर्म करो, चेहरे पर लगाएंगे और फिर धीरे से आंख को खोलेंगे। ऐसे हमको रहना है। सुबह में जो मैं बता रही थी ना आपको लाइव का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी स्पीकर आते हैं उनकी ऊर्जा से आप कनेक्ट कर पाते हो। और जो योग का समय है सुबह का करने का, तो जो आप में सामर्थ्य नहीं है, जो आसन आप में नहीं होते हैं, यदि आप एक महीने इस कोर्स के अंदर हैं और हमारे साथ साथ करेंगे तो सारे आसन आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके शरीर का सामर्थ्य नहीं है, मन का सामर्थ्य नहीं है, और फिर आप अकेले में करते हो रिकॉर्डिंग देखते देखते, तो भी नहीं कर पाओगे। बहुत ताकत चाहिए, समय लग जाएगा। और ये इजी रास्ता है, तो ये आप पर निर्भर करता है कि यूट्यूब पे देख देख के और रिकॉर्डिंग देख देख के लंबे समय तक करना है या जल्दी शॉर्टकट ऊर्जा का उपयोग करके जो भी हमें सिखा रहे हैं शिक्षक गण, उनकी ऊर्जा का उपयोग करते रहते, गंगा में हाथ धो ले रहते, अच्छी बात है। चल चलिए सिंहनाद करा देती हूँ और हास्यासन। ओंकार आप लोग बहुत छोटा बोलते हो, ओंकार की आदत डाली है लंबा ओंकार बोलने की। जितना आप ओंकार लंबा, क्योंकि एकाग्रता का है ना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, लंबे ओंकार की चलिए प्रैक्टिस करा देते हैं। अभी समय है मेरे पास, चलो 2-5 मिनट है, मैं ओंकार की प्रैक्टिस करा देती हूँ। माँ पे आपको यहाँ नाभि पे ना खिंचाव आएगा, आप लोग बोलते हैं ऐसे नहीं करना है आपको, पूरा एकदम ली सांस, चलो कर लो, मैं सिखाई देती हूँ। ऐसे आप करोगे ना पूरी तैयारी होगी, फिर आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी चक्र कैसे जागृत होंगे, शक्तियां कैसे जाग, सब कुछ अपने आप घटित होने लगेगा। और जो आपके अंदर खराब आदतें हैं वो छोड़नी नहीं पड़ेंगी, अपने स्वतः छूट जाएंगी। किसी की बुराई नहीं कर सकोगे, गॉसिप नहीं कर सकोगे, ये सब में मन नहीं लगेगा। चलो फिर से एक बार करो। Thank you.
ऐसे आपको करना है, जब बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो ये नाद अपने अंदर चालू हो जाएगा, ब्रह्मांड के अंदर। अब तो साइंटिस्टों ने भी बोल दिया कि एक ही सिर के उपास भी गए तो उन्होंने भी बोल दिया, साइंटिस्टों ने बोल दिया, नासा के साइंटिस्टों ने बोल दिया कि एक ही ब्रह्मांड के अंदर एक ही ध्वनि गुंजायमान है, वो कौन सी है? ओम की ध्वनि। और जब हम ओम इतने अच्छे से बोलते हैं कि पूरा शरीर हमारा कंपन करने लगे, जब करते हो ना तो आपको एक वाइब्रेशन आएगा। फिर से एक बार फील करके देख लो, मैं आपको ऐसी की प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो ये शक्तियां आप में जागृत होने लगी। ऐसे चलो करो एक बार फिर से। लंबा जितना लंबा हो सके उतना लंबा आप प्रैक्टिस करो, है ना। जब आपके यहाँ नाभि से होगा ना, आपको खुद ही पता नहीं पड़ेगा, जीवन पूरा परिवर्तन। फिर आपको गुस्सा करने के लिए आयोजन करना पड़ेगा, उसे गुस्सा आए उस समय पे ऐसे रहना है, थोड़ा गुस्सा करना है। फिर थोड़ा गुस्सा करोगे ना 5-7 मिनट में ही तर्क भी कर, फिर से आप उसी स्थिति में आ जाओगे। अभी तो क्या होता है, किसी पे आप गुस्सा करते हो पूरे दिन, कोई मूड खराब रखते हो, दिमाग ठीक नहीं लग रहा, अरे आपको पता नहीं है क्या हुआ, मुझे वहां पर गुस्सा आई थी ऐसे ऐसे किया, तो बोले अभी 4 घंटे बाद भी गुस्से में हो, अरे पूरा दिन से मैंने खाना ही नहीं खाया। ओम दीदी ओम, ये आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर रहा है, वो तो भूल भी गया, वो पता नहीं, पर आपने इतना सारा दिमाग खराब कर लिया है। ओम दीदी ओम, मानसिक अवस्था ही हमारी बीमारी का कारण बनती है। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? ओम का उच्चारण आ से शुरू करना है ओ से? बात करेंगे और देखिए, अभी मैं इसके बारे में बात करेंगे, क्लास हो जाने दीजिए अभी। हां जी, क्या बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। ओम का उच्चारण आ से स्टार्ट करना है या ओ से? देखिए जब आप करते हो ना, मैं लास्ट में बता दूंगी, चलिए पहले सिंहासन कर ले। एकदम सामने चलो एक बार घूम के परमात्मा को धन्यवाद देते, भगवान एक दिन तुम्हें और दिया जीने के लिए, आज मैं शुभ कार्य करूंगा, संकल्प लो कि आज मेरे कोई ना कोई पूरे दिन में पुण्य कार्य जरूर करूं। और अपनी गिनती जो स्वामी जी महाराज पूछते ना कि आप लाइफ मेंबर बनेंगे, फाउंडर मेंबर बनेंगे, तो पूछते ये लाइफ मेंबर में कितने पैसे जाते हैं, 1,00,000 रुपए डोनेशन करे तो फिर मैं अगले साल सोचूंगा, इस साल नहीं देता हूँ। इतने बड़े कार्य में यदि आपका, हम लोगों की नहीं है उतनी कैपेसिटी कि हम यूनिवर्सिटी बना सके, विश्वविद्यालय बना सके, पर जो संत ऐसे कार्य में लगे हैं तो जो ना हो सके जितना हो सके 1,00,000 नहीं 1,100 नहीं, हमेशा उस कार्य में दान लगा दो। सब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें स्वामी जी महाराज अपनी सेवा नहीं दे रहे, चाहे वो गौ का हो गया, चाहे वो हमारी बॉर्डर पे हो गया, चाहे शिक्षा के लिए हो गया, कोई भी अभी ऐसा कोई कार्य नहीं है, चाहे वो हमारी दवाइयों के लिए हो गया, आयुर्वेद के लिए हो गया, कृषि के लिए हो गया, सब क्षेत्रों में स्वामी जी महाराज इतना कम हम कर पाएंगे इस जीवन में कार्य, तो अच्छा है कि वैसे भी हम जो कमाते हैं ना उसमें से जैसे जैसे शरीर के लिए स्नान और मन की शुद्धि के लिए ध्यान और धन की शुद्धि के लिए दान जरूरी है, तो अच्छे कार्यों में दान दिया। और जो ऐसा संत इस कार्यों में लगा है कुछ नहीं तो जितना आप दे सको उतना लाइफ में नहीं बनोगे तो दान दोगे तो पहले 10 तो दान ही ऐसा नहीं होता जो 1,00,000 रुपए से, मैं बार बार कहती हूँ 1 रुपया भी जो देता है ना उसका भी मतलब दान ही, आपने 1 रुपया किसी का चुराया तो चोर भी गिनती हो गई, 1 रुपया दिया
तो ऐसा तो कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता शिविर में बैठा होगा जिसके पास एक रुपया भी है। एक रुपए की किसी को कोई भी चीज, एक रुपए का दान दो, कुछ चीज दो, 5 रुपए की बिस्किट का पैकेट लेके किसी को खिलाओ, तो मन में बोलो भगवान आज मैंने दान किया, आज मेरी गिनती दानी में। दूसरे महीने से 2-2 पैकेट देना शुरू करो, उसके बाद 1 किलो आटा दो किसी को, 1 किलो चावल दो, किसी दिन 25 किलो भी दोगे, 50 किलो भी दोगे, और किसी दिन लाख भी दोगे, और किसी दिन करोड़ भी दोगे। भगवान देखता है कि मेरा हाथ कौन बनना चाहता है, दानी कौन बनना चाहता है। जैसे जैसे हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हैं भगवान देखता है, भगवान फिर सोचता है कि मेरा हाथ बन गया। तो जो भजन मैंने आपको सुनाए थे कि हम प्रभु के हाथ बन जाए, तो जो भी होगा ना हमारे जीवन में शुभ होगा। चलिए भाई क्या बोल रहे थे, अ उ म, तो हम अ उ म, तो म के पास जब म लास्ट में होता है तो नाभि पूरी खींचती है, पर शुरू तो जब करते ना बोलते अ, पर वो गुंजायमान में वही सुनाई देता है, अ ऐसे हो जाता है, पर जब हम उसको नाद करते हैं तो वही सुनाई देता है, पर उसको गुंजायमान। फिर से मैं करा देती हूँ, चलिए शांति पाठ की जगह आज यही ले लेते हैं, तो सीख भी जाएंगे। चार मिनट ज्यादा हो गए, माफ करना, आप और भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी शक्तियाँ इतनी जागृत होंगी, आपको कुछ नहीं आता। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि कुछ नहीं आता तो ओम को धारण कर लेना, बस ओम का, ओम में लीन हो जाना, पूरा ब्रह्मांड है ना ओम में। स्वामी जी कहते कि ध्यान से यदि हम अपने चेहरे को भी देखते ना, चलो मैं कराती माँ पे पूरा आपका पूरा ऐसा स्पंदन होने लगेगा शरीर में, एक एक रोम को पता पड़ेगा, पूरे शरीर के अंदर ओम गुंजायमान हो जाए। फिर से एक बार कर ओ, ऐसे जब आप करोगे ना, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं, जो ऐसे संचित कर्म हैं जिनको हमें भुगतना पड़ता है, तो योग करने से वो भी दग्ध बीज कर सकते हैं। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें योग करके उनको दग्ध बीज करना चाहते। संस्कार जो हमारे ना, खराब संस्कार, किसी को क्रोध करने का संस्कार होता है, किसी को ऐसे संस्कार होते, झूठ बोलने का भी संस्कार होता है, तो वो आदत जाती नहीं तो कैसे जाए। तो जब आप योग करोगे ना तो उससे संस्कार दग्ध बीज हो जाएंगे। 9 महीने में तो नया व्यक्ति का जन्म हो जाता है। तो आप पतंजलि से जुड़ के YCB कर रहे हो तो मात्र एक सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर रहे हो, हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन ठीक नहीं कर पाओ और फेल भी हो जाओ, तो क्या फर्क पड़ता है, उससे पहले भी हम थे, हमारा अस्तित्व था। अगर मेरे तो ठीक है, हम खुद चलते फिरते सर्टिफिकेट होने चाहिए। कोई बोलेगे हो सकता है कि उसने इसने गलती कर दी, मुझे पता है ये योग जानता है और योग जीता है, योग में जीना पड़ेगा हमको। मात्र कुछ आसन कर लिए परफेक्ट हो गए, वो तो कलाकारी देखो ना, सर्कस में भी हमसे ज्यादा सॉफ्ट लोग होते हैं ना। योग को जीना पड़ेगा, स्वामी जी महाराज यही कहते हैं कि योग को जियो आप, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग बोलते हम तो शीर्षासन नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते। अगर कभी कोई आसन बिगड़ गया, कुछ हो गया और आप YC में फेल हो गए, तो क्या हुआ, जिंदगी परीक्षा में कभी मत फेल होना और खुद की आंखों में कभी फेल मत होना। हमेशा सत्य का आचरण करना, सत्य को धारण करना। और ओंकार का आपको बोला है, करते करते सारी क्षमताएं, हम नर से नारायण बन सकते हैं योग से। सारी क्षमताएं जो भी हम ब्रह्मांड में देख रहे, सारा कुछ हमारे अंदर है। सारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो सारा ज्ञान अंदर छुपा हुआ है। कब पढ़ पाएंगे इतने सारे लोग। आप तो गिरण संहिता, हट प्रदीपिका,
इसमें आईएमपी लिखवा दो इसमें, अरे जब आप योग करोगे तो सारा कुछ अंदर से पता पड़ने लगेगा ये सही है ये गलत है। आपको तो चार चार ऑप्शन भी दिए जाते हैं भाई, उसमें तो यही पता पड़ जाता है कि ये लिखा हुआ है, अंदर से सब आंसर मिलने लगते हैं। तो मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है, जितने भी साधक इसमें अभी इस समय जुड़े हुए हैं, आप लोगों के जीवन में योग घटित हो जाए, जीवन योग में बन जाए, सत्य घटित हो जाए, ध्यान घटित हो जाए, समाधि घटित हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं समापन करती हूँ। 10 मिनट ज्यादा ले लिए उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, 8 मिनट ज्यादा हो गए। ओम सोनिका बहन, धन्यवाद जी। ओम सोनिका बहन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी जी। सोनिका बहन, आपने कुछ भी ज्यादा समय नहीं लिया, आप ऐसा मत बोलिए। एक बहुत अच्छा आपने जो साधारण जो हम रोज सुनते हैं स्वामी जी महाराज के मुख से, और मैंने कुछ साल पहले, अभी भी मेरे पास कुछ बुक्स है, इंग्लिश बुक्स की सीरीज है, दल वी लर्न इन किंडरगार्टन करके एक बुक्स की सीरीज है, कि जो फैक्ट्स हमने अपनी नर्सरी में या छोटे बन में पढ़े कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ध्यान से रहना चाहिए, ये सारी चीज, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो सब हमें मालूम तो होता है पर उस पर आचरण नहीं करते। तो ये जो आप बताई है सभी बातें कि जो जो भी सारा आपने बताया है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ का रिविजन हुआ है, बहुत जबरदस्त रिविजन हुआ है, और इतने प्रभावशाली तरीके से, ऐसा नहीं लगता कि खाली शब्द है। जब आप ओंकार का उच्चारण करते हो तो लगता है कि हाँ पूरी तरह से इसमें आत्मसात है। बहुत सुंदर सेशन लिया, बहुत मोटिवेटिंग सेशन था, और जिन्होंने भी इसको ध्यान से सुना है, और ये आपकी बात सत्य है कि जो लाइव सेशन होते हैं उसमें एनर्जी हमारी ट्रांसफर करती है खाली, और जो हम उसको रिकॉर्डेड सुनते हैं वो तो जैसे कि हमने फ्रिज में पुराना रखा हुआ खाना खा रहे हैं। जो फ्रेश खाना होता है उसकी अलग बात होती है, और 2 दिन के बाद रख के हम जो फ्रिज में रख के खाते हैं उसकी बात अलग होती है, ऊर्जा 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 अलग होती है। हाँ, उसमें जो प्राण है उसमें जो ऊर्जा है वो नहीं रहती। एक बात और आपके सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि 3-4 साल से मैंने ये बहुत अनुभव किया है कि मेरे को ओंकार का जप करना बहुत पसंद है। कभी भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ, खासकर बहुत दिमाग ऐसे चल रहा होता है, तो चाहे मैं गाड़ी ही चला रही हूँ उस टाइम में भी मैं ओंकार करना शुरू करती हूँ, और बहुत आश्चर्य होगा, मैंने बहुत लोगों से कहा है, पता नहीं कितने लोगों ने फॉलो किया होगा या ध्यान दिया होगा, या बोलते रहते हैं कि भाई दीदी तो बोलती रहती है, ऐसी बात होती है, पर मैंने खुद, मेरा अनुभव है कि चाहे मैं कार भी चला रही हूँ, बहुत स्ट्रेस हो रहा है मेरे को, कुछ बातें ऐसी हो रही, तो मैं सब छोड़ के ओंकार में आ जाती हूँ। जब मैं काफी जब तक मुझे ध्यान रहता कर रही हूँ, उसके बाद अचानक से मुझे लगता है मैं तो बिल्कुल शांत हो गई। जो भी मेरे अंदर इतने सारे विचार चल रहे थे एक दूसरे के ऊपर, यू नो, जैसे मारा मारी सी चल रही थी, वो सारे निकल गए और मैं बिल्कुल शांत हो गई। ये ओंकार का जो है ना साधना से, अगर हम इसे लंबे समय तक करेंगे हमें कितना बेनिफिट मिलेगा हम बता नहीं सकते। तो जैसे सोनिका जी ने कहा कि YC भी एक साधन है हमें योग की साधना आगे बढ़ाने का, योग में ज्यादा गहराई में जाने का। बहुत सुंदर सत्र लिया सोनिका, बहुत 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 धन्यवाद। इतना बुखार होने के बाद भी मैं क्या करती हूँ, रात को फोन स्विच ऑफ करती हूँ तो कभी कभी सुबह ऑन करना भूल जाती हूँ, तो आज ऐसा हुआ होगा, ऑन करना भूल गई थी आज मैं, हुआ ही ऐसा, मैंने बाद में देखा तो ऑन नहीं था वो। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी, ओम। मैं एक्चुअली मैं बीमार हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो अपना ऑफ करके आपका सुन रही थी, बहुत अच्छे से आप सेशन ले रहे थे। अफसोस है कि मैं आपके साथ क्यों नहीं कर पाई, इस चीज का मुझे अफसोस है, माफी चाहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका बहन, और हम सभी, आप लोगों में से कोई अगर 2 शब्द बोलना चाहता है सोनिका बहन के लिए तो जरूर बताइए। मैं भारती बोल रही हूँ ईश्वर से। आपने बहुत अच्छे से लिया, आपके मुख में एक मंदा हास था, उसे देखकर हम लोगों के मन में भी खुशी होती है, करने के आस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी, आपको भी माँ धन्यवाद।
ओम दीदी जी, ओम दीदी, बहुत अच्छा आपने सेशन लिया, बहुत अच्छा लगा, आपको देख के करना मन हो जाता है। मैं गुजरात से रीटा दलाल बोल रही हूँ। बहुत अच्छा आपने सेशन लिया, बहुत प्रभावित हो गए हम करने के लिए, करते ही है लेकिन उसमें ज्यादा करने का मन हो गया, बहुत अच्छा है। ओम ओम दीदी, आज आपने बहुत अच्छा सेशन लिया और आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, आप बातें भी बहुत अच्छी करती हैं और आपका सेशन भी बहुत अच्छा था। दीदी ओम, मैं जया अग्रवाल बोल रही हूँ। दीदी आपसे बातें सुन के मन के बहुत सारे द्वंद और बहुत सारे सवाल जो उठते ना, उसके सारे जवाब जितना आप पॉजिटिव बोलती हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे मेरे मन में प्रश्न चलते हैं क्योंकि देखिए योग तो कर रहे पर जीवन में भी जी रहे हैं, परिवार के संग भी रह रहे हैं, तो कितना भी गुस्सा या क्रोध या नकारात्मक विचार से दूर भागो, दूसरे की एक्टिविटी से वो फिर से जागृत हो जाते हैं, लेकिन उसके जवाब आपसे आज बहुत मिल रहे थे कि उससे कैसे बच सकते हैं, अपने कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि योग को घटित करना है जीवन में, जो हम लोग कर नहीं पाते, परिवार के संग रह के कर रहे हैं, सारे प्राणायाम आसन कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता है, सिर्फ परिवार, अच्छा जिसने ऐसा कह दिया, अच्छा उसने हमको ऐसा कह दिया, अपने को घटित करना है योग को, वो सीखना है। दीदी बहुत गहरी बातें आज आपने कही है। दीदी मैं स्वाति शिंदे बात कर रही हूँ, मैं स्वाति शिंदे बात कर रही हूँ जी। आप दिन भर के लिए मेरे में तो ऊर्जा भर दी आज। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ओम नमस्ते दी। सुनीता बहन जी, मैं तेलंगाना से हूँ। बहुत अच्छा सेशन था आपका, एनर्जेटिक और मोटिवेटिव। आप बुखार में इतना अच्छा क्लास लिया तो नॉर्मल में कितना लेते, कितना ऊर्जा है आप में, बहुत ऊर्जा मिला आपसे सुन के, आपसे देख के। मैं धन्यवाद बोलती हूँ मंजूश्री दीदी को, इतना अच्छा सेशन दिलवाया। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। ओम दीदी, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत खुशी है आपके देख के। आपने क्लासेस बहुत अच्छे लेते हो तो इतना अच्छा समझ में आता है, किसी को हिंदी नहीं आता है ना वो भी इजी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत अच्छा सेशन था दीदी, बहुत खुशी हुई, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, मेरी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आप आईसीबी में तो प्रश्न सॉल्व कर ही पाओगे पर जिंदगी के अंदर भी जो प्रश्न होते हैं, जिंदगी की जो परीक्षा है ना उसमें भी आप सफल हो पाओ, अपने रिश्तों में सफल हो पाओ, क्योंकि हम योगी तब हैं जब हमें अच्छी बेटी है, अच्छी बहन है, अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छी पत्नी है। मैं तो नहीं हूँ और कभी अभी इस जीवन को समर्पित कर दिया, विवाह करना भी नहीं है, पर जितने भी लोग हो ना तो वो आपके पति ये कह पाए कि जैसी भी है तू बहुत अच्छी है, तो हमारा जीवन सफल है, हम अच्छी बेटी बनवाए। पापा खुद फोन करके बोले कि जब तक तुझसे बात नहीं करता हूँ ना मन नहीं लगता, भाई ऐसे बोले कि तुझसे बात नहीं होती ना तो कुछ अजीब सा लगता है, तो समझना हमारा जीवन सार्थक है, चलते फिरते ऊर्जा के पुंज बन जाए। तो आप सबके लिए प्रार्थना है कि सभी लोग, आप लोग में योग घटित हो और सभी लोग ऊर्जा के पुंज बन जाओ। ओम ओम नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, निर्मला मैडम। ओम ओम धन्यवाद, बहुत ही मोटिवेशनल सेशन था दीदी आपका, बहन जी बहुत ही सुंदर, बहुत मोटिवेशन। हम लोग भी योग से जुड़े हैं काफी टाइम से और आपकी तरह क्लासेस वगैरह भी लेते हैं, पर बहुत अच्छा अनुभव। ये हमारे राज्य कार्यकारिणी की मेंबर सदस्य हैं निर्मला जी। धन्यवाद दीदी, ओम धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन आपने दिलवाया सोनिका जी से। धन्यवाद सोनिका जी, इट वॉज अ नाइस सेशन। Actually, you have told about Yama and Niyama. Before applying anything, we have to apply that. That one really, it's, I'm applying with myself that you are telling about boiling the milk and when it spills, no, so we take the time to clean ourselves instead of just concentrating on that. It was nice explanation. Yeah, actually, it happens to me always. That's the reason I concentrate on that. It was very nice. And you have told about do some seva or do some charity, like just start with a 1 rupee. Really, it was amazing that how we can implement within ourselves. Like just from 1 rupee to 1 kilo or 25 kilo rice, it was really a heart-touching thing that how we can uplift ourselves. Thank you very much.
It was a nice session, though you are not well and you have taken. Thanks a lot. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका बहन, आपका समय लिया और यहाँ पर भी सबको बहुत अच्छा लगा. फिर समय होगा तो फिर से दोबारा से एक बार आपको आमंत्रित करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सभी कर्नाटका की दोनों टीम्स की तरफ से, मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से, यूपी, महाराष्ट्र, जहां जहां से भी बहनें जुड़ी हैं, सभी की तरफ से और गुजरात की बहनों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद बहन. तो हाँ, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं और मीटिंग का एंड कर देते हैं और मैं रिकॉर्डिंग जल्दी भेज दूंगी मैं आपको. ठीक है.